गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। वेलकम अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति करियर क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, सही बच्चे कैसे होंगे? सबसे पहले तो बेटा कोई सॉरी नहीं, इसलिए कि डेलिब्रेटली ऐसा हमने नहीं किया कि लेक्चर रोक दिए। आपसे ज़्यादा मुझे वेट रहता है वॉकएप या ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ाने का, नए नए टॉपिक्स लाने का, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो। आरआरबी के एग्जाम्स थे तो बिल्कुल मेरे माइंड में आया लास्ट फ्राइडे कि बच्चे अभी मैथ्स और रीजनिंग में बिजी हैं, अननेसेसरी कोई वीडियो ना डाला जाए। ठीक है, तो अब हम फिर से अपने लेक्चर पर आ गए हैं। दूसरी बात सर, वॉकअप आपका फ्राइडे को आता है, कल नहीं आया। कल बहुत ही रिडिकुलस हास्यप्रद घटना हुई, मैंने कल ही लेक्चर रिकॉर्ड किया था पूरा का पूरा। गलती ये हुई, हम वहां पर माइक लगाना भूल गए, तो मेहनत भी हुई और बहुत बढ़िया लेक्चर था। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते हैं। चलिए गाइस, पार्ट टू आ गया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। पार्ट वन मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छे कमेंट्स मेरे ग्रामर वीडियोस पर और डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ऑब्लाइज्ड टू यू। इस मोटिवेशन से सिर्फ हमें भी एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है कि और अच्छे से अच्छे डिफरेंट और बढ़िया लेवल पर लेकिन एग्जाम कंटेंट डाला जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लैंग्वेज क्लास में नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो पार्ट टू सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, पार्ट वन याद है जिन बच्चों ने देखा था? आइसो, आइलैंड, सेग्रागेट, सेपरा, सेपरेट। ठीक है, तो उस पर दोबारा नहीं आते बच्चों। ठीक है, इस वीडियो का लिंक विंक सब आपके पास है, कंटिन्यू आप पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा बच्चों। सिक्स पार्ट टू में समा बन जाएगा, अब आप देखोगे हमारे साथ तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर ये सिक्स पार्ट टू तैयार किया है। पार्ट वन में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, याद है बच्चों? रैपल्सिव स्माइल, एक रैपल्सिव स्माइल होती है जिसमें डिस्गस्टिंग, नास्टी, ब्लो, ऑफेंसिव, ऑफेंड, अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्शियस, क्या शानदार तरह से वर्ड पढ़ाए थे। देखो मुझे आज भी याद है अभी भी, ये डेस्परेट होना, एग्जेस्परेट होना, डेस्परेट होता है आदमी तो एग्जेस्परेट होता है। इस तरह से मैंने पढ़ाया था। सभी बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ एक एक वर्ड ही नहीं, उनके सिनोनिम भी एक एक याद कराकर चल रहा हूं। एक एक वर्ड को आपको हम याद करा रहे हैं। और देखिए सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ जो वर्ड इंपोर्टेंट हैं उनका कोलोकेशन क्या है, उनको यूज कहाँ करते हैं, जैसे ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, वॉकअप का सही यूज। अब बच्चों इस पर बात नहीं करते हैं, फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे पार्ट वन इसका आनंद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आज सेकेंड लेक्चर देख के समझ में आ जाएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं। ये हमने पूरा ले लिया था बेटा, कुछ याद आया? ये भी पढ़ाया था ना, मेल, मेल मतलब मैलिशियस, मेल इफेक्ट, मेल कंटेंट, एक्री मतलब एक्रिड, कड़वा टेस्ट, कड़वाहट होना रिश्तों में। तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। आइए, ये है हमारा आज से सेकंड पार्ट। इसके पीछे तक मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा पढ़ा चुका हूं, सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के आए हुए हैं। अब इधर से आ जाइए। चलो बच्चों चलिए, मजा आ जाएगा बच्चों वीडियो में आपको, आज में वॉकअप से प्यार हो जाएगा, तरुण सर से प्यार हो जाएगा। सब सब एक रूट है अंडर का बेटा, सब एक रूट है अंडर का, यानी कि किसी भी वाक्य में अगर सब आ जाए तो वो अंडर बन जाता है। इस तरह से वर्ड्स को हम पढ़ सकते हैं, हर वर्ड का कोई ना कोई तरीका है, तरुण सर बताएंगे आपको बिल्कुल। जैसे कि देखो सब वे, बेटा आपने देखा होगा मेट्रो शहरों में, बड़े शहरों में सड़क नीचे से होके जाती है, मेट्रो ट्रेन नीचे चलती है सड़क के, रोड के, सब वे देखा ना, सब वे लिखा होता है। सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के अंडर में काम करता है। सब ऑर्डिनेट, किसी को अपने अधीन कर लेना, जो आपके अंडर में काम करता है सब ऑर्डिनेट होता है बेटा आपका। सब ड्यू, किसी को झुका देना अपने अंडर में ले लेना। इसी तरह जहां भी सब आ जाए बेटा, तो SUB सबका मतलब होता है अंडर, नीचे। ठीक है, ये ध्यान देना है हमको। तो यहां सबका मतलब क्या है? अंडर, ठीक, हमेशा से। तो सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अपने अधीन कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, उसको डोमिनेट कर लेना। डोमिनेट हम सब बच्चे जानते हैं, ठीक है, जिसका डॉम होता है वो डोमिनेट करता है, जिसका डॉम होता है डोमिनेट करता है। देखो लिंक कर लो सर, ये समझ में नहीं आया बेटा, डॉम का मतलब होता है घर पुराने ग्रीक लैंग्वेज में, तो जिसका घर उसी का कंट्रोल चलता है ना यार, डॉम से डोमिनेट, इसको बोलते हैं लिंकिंग मेथड। देख रहा करिए सर कैसे लिंक करते हैं, क्लास में भी आप देखते हो सर किसी वर्ड को आराम से पढ़ा देते हैं। जैसे एक वर्ड को मैंने आज कितने प्यार से पढ़ाया आपको क्लास में, एराडिकेट। एराडिकेट होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, पहले मैंने आपको हिंदी बता दी, अब मेन एग्जाम में हमें याद रखना है, जब ये वर्ड आए तो हम इसको सॉल्व कर पाए, टिक कर पाए। तो एरा होता है एक युग, एक काल, पूरा का पूरा विक्टोरियन एरा,
मुगल एरा, मुगल काल बोलते हैं ना, एरा एरा एक वंश होता है, तो पूरे एरा को ही एराडिकेट कर देना, एरा को एराडिकेट कर देना यानी कि पूरे युग को ही खत्म कर देना। और वैसे भी एराडिकेट का मतलब क्या है, जड़ से उखाड़ फेंकना, एराडिकेट करप्शन, एराडिकेट डाउरी, एराडिकेट ओके ऑल द इविल्स, ठीक है, डिक्टेट शासन करना, तो पूरे एरा डिक्टेट को खत्म कर देना, तो एराडिकेट, एराडिकेट हो गया जड़ से फेंकना। चलो अब फिलहाल ये हमारा अभी नहीं है वर्ड आज का, बच्चों आ जाइए। हाँ जी, तो फिलहाल था सब, सब माने अंडर, सब्जुगेट किसी को अपने अंडर में ले लेना, यहां से वर्ड याद रहेगा, सब जब भी आएगा सब्जुगेट आपको याद रहेगा, बेफिक्र रहिए, टिकी तो करना है एग्जाम में कौन सा वहां वर्ड्स को लिख के आना है, ऐसे बस मेमोराइज करते चलिए। तो डोमिनेट करना, इसको कंट्रोल करना, अपने अधिकार में ले लेना, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, थोड़ा सा ऊपर ले ले, चलिए गाइस रियली सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, ओके तो वी आर प्रिपेयर्ड अगेन, बस आ गया जी। हाँ जी, तो डोमिनेट करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को कमांड करना, कमांड से बनाए कमांडर, जो कमांड करता है, जो आपको कमांड करता है, कहते हैं ना चीजें मेरी कमांड में है मैं उन पर कंट्रोल कर रहा हूँ, डिफीट किसी को हराना भी होता है उसको कंट्रोल करना बेटा, कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, तो उनको पहले हराया जाता है, डिफीट तभी कंट्रोल करते हैं। तो ये सब्जुगेट के सारे डेरी सिनेनिम्स हैं। और एक बेटा देखो एनसिलेरी, येलो मैंने कर रखा है, येलो कोडिंग का मतलब वर्ड इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो बेटा एनस्लेव, स्लेव माने होता है गुलाम, कहते हैं ना मेरा स्लेव है वो, तो इसमें एन जोड़ दो तो एनस्लेव हो जाता है वर्ब आपका, ठीक है, तो वर्ब का टिक वर्ब पे ही जाएगा, एनस्लेव किसी को अपना गुलाम बनाना, अपने अंडर में लाना, वर्ड क्लियर हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, किसी को मुक्त करना, फ्री कर देना, किसी को रिलीज कर देना, कहते हैं ना वीडियो रिलीज हो गया है मतलब बाहर निकल गया है, तो रिलीज करना, किसी को जेल से रिलीज करना, हॉस्पिटल से रिलीज करना, बाहर निकाल देना, उसको मुक्त कर देना, तो ये आपका क्लियर है बेटा। और लिबरेट, लिबरेट वर्ड याद करने के लिए आप मेरे साथ आ जाइए बेटा, एक वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स लिबर्टी, लिबर्टी एक चप्पल का नाम भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, तो उसी से बना है लिबरेट, और फिर उसी से बना है लिबरल, हम लोग कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, एक लिबरल जो फ्री सोसाइटी है, जहां कोई बंधन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, जहां लोग उदार होते हैं, सबको बराबर मानते हैं, उसको बोलते हैं एक लिबरल सोसाइटी, जहां आप लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, फ्री सोसाइटी बिल्कुल, तो लिबरल, लिबर्टी और लिबरेट उसका वर्ब हो गया, दिस इज कॉल्ड फैमिली ट्री मेथड। बहुत सारी ट्रिक है पढ़ाने की, आप तो बस फोकस करिए, एंजॉय करिए, शब्दों को संभाल के रखिए। अब आज के बाद ये वर्ड आएंगे तो मेरा हर बच्चा टिक करके आएगा, बेटा टिक ही तो करना है वहां, कौन सा आंसर ढूंढना है, सॉरी कौन सा आंसर लिखना है, बोलना है, सामने होगा आंसर, तीन गलत होंगे एक सही, इस ट्रिक से पढ़ोगे तो 300 में पहचान लोगे वो रहा जो सर ने पढ़ाया था। आ जाओ चलो बेटा, इम्पेयर दूसरा वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, एक बात बता दूं बेटा, ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स के आए हुए हैं, जिनको ढूंढ ढूंढ कर पिक एंड चूज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, बताया था 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं वीडियो सेट करने में आपके लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता, जो जरूरी है एग्जाम में आया हुआ है वही पढ़ाना चाहता हूँ, इरादा ऐसा है कि बच्चा एक बार में एग्जाम निकाले, मेरे बच्चे को दूसरा अटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि वो भरोसा करके देख रहा है वीडियो मेरा, ठीक है। आओ बच्चों इम्पेयर, तो सटीक पढ़ रहे हैं बेटा, बेटा एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, जैसे आजकल हम बेटा ईयरबड लगाते हैं, पेयर होता है ना शूज का, स्पेक्स का तो होता ही, एक ईयरबड का पेयर, अब एक पेयर, कल ही मेरे दोनों पेयर में से मुझे याद आ गया पढ़ाते हुए, एक काम नहीं कर रहा है राइट हैंड का मेरा ईयरबड, तो एक पेयर खराब हो गया है, एक पेयर खराब हो गया है, कैसे याद करेंगे बेटा, पेयर इम, आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी वीडियोस में, आई एम आई एन आई आर आई एल, और ऐसे बहुत सारे वर्ड पढ़ाए थे, डी हो गया, डिस हो गया, मिस हो गया, बेटा ये होते हैं प्रीफिक्स, जो पहले आते हैं, प्री मतलब जो पहले आते हैं किसी शब्द के और एक अर्थ बनाते हैं, बेटा मॉडरेट से इमॉडरेट, मैच्योर से इमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है, मोडेस्ट से इमोडेस्ट, जो बदतमीज है, प्रूडेंट से इम्प्रूडेंट, जो असभ्य है, पॉसिबल से इम्पॉसिबल, हो चुका है ना बेटा इसमें, एनिमेट से इनएनिमेट कर देना, आई आर रेगुलर का इरेगुलर, बात हुई ना बेटा इल, तो ये जितने भी आपके आई एम आई आर आई एन आई एल किसी भी शब्द के पहले लग जाए ये प्रीफिक्स, तो ये उस शब्द को कर देते हैं निगेटिव, तो पेयर अच्छा खासा पेयर को इम्पेयर कर देना, इम मतलब नॉट, जब पेयर वर्क नहीं करता है, इम्पेयर पेयर वर्क नहीं करता है, आई एम से नॉट,
तो इम्पेयर अपेयर वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको कोई नुकसान पहुंच गया है, खराब हो गया है। तो पेयर एक अच्छा पेयर और इम्पेयर जो एक अच्छा पेयर नहीं है। इम्पेयर कर देना क्योंकि क्रिया है, कर देना यानी कि उसको खराब कर देना मतलब डैमेज कर देना, तो याद हो गया इम्पेयर आईएम से पेयर। तो कोई चीज इम्पेयर होती है तो वो डैमेज हो जाती है बेटा, उसको डैमेज करना, उसको नुकसान पहुंचाना मतलब डैमेज करना, उसको बिगाड़ देना स्पॉयल कर देना मतलब डैमेज करना, उसको हर्ट करना। तो ये सारे वर्ड जो है इम्पेयर से कनेक्टेड है, इसके सिनोनिम है। तो जब भी इम्पेयर आए इनमें से एक वर्ड डाल देना, इन सब का मतलब होता है बेटा हर्ट, सुनाइए हार्म नुकसान पहुंचाना, सुनाइए ना मेरे प्यारे बच्चों, हार्मफुल डैमेज बताइए, एक डैमेजिंग कंडीशन है। स्पॉयल, बच्चे बिगड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर स्पॉयल, इनकी आदत मत बिगाड़ो, डोंट स्पॉयल देयर हैबिट, तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया, यू स्पॉयल द प्लान। ठीक, किसी का करियर तबाह करते हैं तो क्या आता है, ruin। हर शब्द का अपना अलग अलग यूज है, शब्दों को यूज करना सीखो। अब आप लोग अगर लैंग्वेज पे कमांड करना है, जल्दी एग्जाम तो निकालना ही है, अपनी इंग्लिश अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करना है, तो हर वर्ड को ओ माई डियर स्टूडेंट यूज करना सीखे, अलग ही मजा है इस चीज का, डिफरेंट जब हर वर्ड को आप सही जगह यूज करते हैं। किसी की छवि बिगाड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रुइन द इमेज, करियर बर्बाद करते हैं रुइन, प्लान बिगाड़ते हैं तो स्पॉयल। तो जैसा जो बिगाड़ना वैसा वर्ड बना हुआ है इंग्लिश डिक्शनरी में, चलो कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, वर्ड ऑफ यूजेस ऑफ वर्ड बोलते हैं इसको। आगे आओ, अब इंपेयर तो हो गया बेटा, किससे याद करा दिया आपको मैंने, किससे याद करा दिया, एम प्लस पेयर से लिंक डाल दिया, इम माने नॉट, तो पेयर काम नहीं कर रहा है, इम्पेयर मतलब नॉट वर्किंग डैमेज। अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, उसको इंप्रूव करना, सुधारना, किसी भी चीज की क्वालिटी को जब अच्छा करते हैं तो उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इनहेंस करना, इनहेंस द क्वालिटी। बेटा एक पुराना आपका ओल्ड एक गैजेट है जो काम नहीं कर रहा है और आपने उसको इनहेंस कर दिया, उसको अप टू डेट कर दिया, अपडेट कर दिया, तो बेटा इनहेंस द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये अपोजिट हो गए, इंप्रूव इनहेंस द क्वालिटी। इंडोमिटेबल, नेक्स्ट वर्ड बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं, ये देखो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं इंडोमिटेबल, यहां लिखता हूं ना इन प्लस डोमी, तो इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल प्लस एबल, तोड़ दिया वर्ड मैंने, तोड़ दिया, अब डोमी से एक वर्ड क्या बनता है, डोमिनेट बनता है ना। इन किसका मतलब बताया मैंने, नॉट, तो जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते मतलब जिस पर आप कब्जा नहीं जमा सकते, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, दूसरे अर्थों में जिसको आप जीत नहीं कर सकते भाई, किसी को आप डोमिनेट ना कर सके मतलब आप उस पर विजय प्राप्त ना कर सके, ठीक, ये हो गया इंडोमिटेबल। अब चूंकि वॉकअप तो हमारा इंग्लिश में आएगा बेटा, हिंदी तो नहीं लिखनी है, शब्द तो समझ में आ गया, कोई पूछेगा बता भी दोगे, इतना प्यारा आपको मैंने मेथड दे दिया है, लेकिन दिक्कत ये है सर एग्जाम में तो सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश में आएंगे, बेटा इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को एक वर्ड। आओ अब देखो, यहां देखो इन, इन मतलब नॉट, विन, वी आई एन है वैसे तो ये, पर इसका साउंड किससे मैच हो रहा है, विन से, डब्ल्यू आई एन, विन माने जीतना, ठीक है। बिल प्लस एबल, के लायक, जो जीतने लायक नहीं है, जिसको आप जीत नहीं सकते, इनविंसिबल, विन विन साउंड मेथड, रैम मेथड, तो बेटा रैम मेथड के अनुसार अगर आप किसी को इनविंसिबल बोल रहे हैं मतलब विन मतलब इन मतलब नॉट, जिसको आप जीत नहीं सकते, इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय, जिसको आप हरा नहीं सकते, कितने प्यार से याद करा दिया, इंडोमिनेट एंड इनविंसिबल। तो यहां मैंने विन से याद करा दिया बेटा आपको, इसको जीत नहीं सकते, जिसको डोमिनेट नहीं कर सकते। शब्दों को बड़े प्यार से फैलाओ, साइन सही है और ग्रामर मैथ होती है, स्पीड ऐसे आती है, वर्ड देखते ही ना पहचान जाओ आप, तरुण सर की क्लासेस अगर रेगुलर कर दो तो, ग्रामर पढ़ते ही ना सॉल्व कर दो आप, सीधे सेंटेंस देखकर फटाक से बता दो एरर है अगर सर की क्लास रेगुलर ले तो। अब सारा खेल आपके जज्बे का है, एग्जाम इसी साल निकालना है, अभी निकालना है, या बेरोजगारों की तरह दुनिया घूमनी है, दूसरों के दुनिया, दूसरों के द्वारा दिखाई गई दुनिया को देखना है, ये आप तय करो जीना कैसे। तरुण सर तो क्लास एंजॉय कर रहे हैं अपनी, और अपने हर उस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं जिसको इस दलदल से निकलना है, इस कीचड़ से निकलना है, अच्छे समाज में आना है, सिलेक्ट होकर, ठीक है। चलो बेटा इंडोमिनेटेबल हो गया, हाँ। अब ऐसे लोग जो किसी के डोमिनेशन में नहीं आते, कंट्रोल में नहीं आते, तो उसको हम बोलते हैं एरागेंट, बोलते ना बेटा एरागेंट, सुनाए ना एरागेंट, बहुत ही एरागेंट लड़की है, बहुत ही एरागेंट है नेचर उसका, घमंडी,
बिल्कुल सही, ये एक और सिनोनिम है, मैच कर रहा है। स्टबन, स्टबन, बॉर्न माने पैदा होना, जो पैदा ही स्टबन हुआ है, स्टबन बॉर्न हुआ है, स्टबन बर्न हुआ है, स्टबन बॉर्न हुआ है, यानी कि जिद्दी पैदा हुआ है। स्टबन मतलब जिद्दी और घमंडी, तो स्टबन ही बॉर्न हुआ है, स्टबन बॉर्न हुआ है। ओके, ऑब्स्टिनेट। अब बेटा इनको याद कराएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये तो बेसिक वर्ड है, आपको बेसिक वर्ड तो पता हो बेटा। ऑब्स्टिनेट होता है बहुत जिद्दी होता है, एरोगेंट होता है घमंडी, स्टबन होता है जिद्दी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड, एक स्टबन बॉर्न होना, स्टबन बॉर्न होना, पैदा ही जिद्दी होना, तो इनका मतलब होता है जिद्दी, अकड़ू। ये सारे के सारे वर्ड इंडोमिटेबल से बिल्कुल कनेक्टेड है। चलो नीचे आओ बेटा, मैग्निफिसेंट वर्ड याद करना है तो मैं आपको अब रूट मेथड देता हूं। मैग्निफिसेंट वर्ड बना है मैग्नम से, और कहीं भी मैग्नम आ जाए, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी मैग्नम आ जाए तो उसका मतलब होता है ग्रेट। एक मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस नाम से जाने जाते थे, लौह पुरुष बोलते थे ना, ग्रेट पर्सनैलिटी, मैग्निफिशेंट। गेटिंग, क्योंकि मैग्नम से बना है, मैग्नम का मतलब होता है ग्रेट, और भी कहीं भी मैग्नम आ जाए तो वहीं से एक वर्ड बनाए बेटा। आओ एक प्यारा वर्ड दिखाता हूं आपको, इसी लाइन में मुझे ऐसे आना पड़ेगा। आओ बच्चों ये देखो, जैसे मैग्ने निमस, और बोलोगे अरे सर इतना बड़ा वर्ड, ऐसे तो आप हार जाते हो, आप शब्दों की गहराई में नहीं जाते ना। चलो अब हमारा हाथ थामो और उतरो गहराई में, जितने गहराई में उतरना है इंग्लिश की, बेसिक से लेकर मेन तक, बिना डर बेटा। ये वर्ड बनाया मैग्नम से, मैग्नम माने विशाल, ओ यू एस जहां भी आता है उसका मतलब होता है से भरा हुआ, से भरा हुआ। ओके, तो यानी कि एडजेक्टिव है, मैग्नेनिमस महानता से भरा हुआ। ठीक बेटा, महानता से भरा हुआ यानी कि बड़े दिल वाला। ठीक है, आपने देखा है कुछ लोग, लोगों की बड़ी बड़ी हेल्प करते हैं और कोई एहसान तक नहीं दिखाते, हंस के बोलते अरे ये तो मेरा फर्ज था। एक मैग्नेनिमस होता है बहुत उदार, बड़े दिल वाला, ये लिखा है मैग्नेनिमस, काइंड हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा हो। बेटा जेनरस वर्ड बना है जेनरोसिटी से, बड़े दिल वाला, सिंपैथेटिक, सिंपैथी से बना हुआ है बेटा। सिंपैथी क्या होती है ना, किसी के प्रति सहानुभूति। देखो हर वर्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका सिंपैथेटिक। ठीक है बेटा, तो सिंपैथेटिक कैसे होते हैं, जिनके अंदर सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है। ठीक है, अब जैसे देखो जेनरस है, ठीक है मैं ये वर्ड हटा रहा हूं बेटा, आपने लिख लिए होंगे। अब जेनरस का ही एक होता है क्या, जेनरोसिटी। अब ये वर्ड आ जाए तो बच्चों के हाथ पांव कांप जाते हैं बेटा, एक शब्दों का परिवार है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप दो वर्ड जानते हो एक नहीं जानते हो। एयर का मतलब क्या होता है, ई डबल आर, एयर, एयर, एयर। अरे एरर जानते हो, हाँ सर एरर तो जानते हैं, उससे ही बना एयर। एरर माने गलती, एयर माने गलती करना, वर्ब है, एरनस गलती से भरा हुआ, ओ यू एस आ गया। तो अच्छा बताओ सफाइस क्या होता है, सर सफाइस, सफाइस, अरे सफिशियंट, ये तो जानते हो, सफाइस यूज ही नहीं किया कभी। अच्छा बताओ निगेट क्या होता है, बताएंगे। तो बेटा जेनरस से ही बना है जेनरोसिटी, उसका नाउन है उदारता, दया, सब एक ही वर्ड है, पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज होते हो। चलो सब ठीक हो जाएगा, तो याद कर लो मैग्नम से बेटा, मैग्नम से ग्रेट, मैग्नम से मैग्नेनिमस, और इन सब का मतलब होता है दया से भरा हुआ, बड़े दिल वाला। आज के बाद याद रखना, मैग्नम जहां भी आए उसका मतलब बड़ा होता है, तभी तो बोलते हैं मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। चलो डिमिनिश, डिम 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 डिम, लाइट डिम हो रही है, लाइट डिम हो रही है, लाइट डिम हो रही है, लाइट धीरे धीरे कम हो रही है, डिमिनिश, किसी भी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना। कितने प्यार से आपको याद करा रहा हूं बेटा, अगर कोई भी चीज डिम होती है, कहते हैं लाइट डिम हो रही है, धीरे कम हो रही है, तो डिम से याद रखना डिमिनिश। अगर कोई चीज डिम मतलब डिमिनिश हो रही है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं है, तरुण सर की क्लास में खड़े हुए हो, वॉकअप के यूज भी क्लियर होने चाहिए, उसका प्रेपोजिशन भी, जहां जो एग्जाम में आया है वो कॉन्सेप्ट आपको बता के चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा। ठीक है, आप तो शर्माते हो सर से बात करने में, सवाल पूछने में। तो डिमिनिश, किसी भी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होना। अब सुनो आराम से, ध्यान से लेक्चर देखो, बहुत कुछ सीखोगे बेटा। देखो रिड्यूस हो गया इसका वैसे तो सिनोनिम, कम होना, घटना, वीक कमजोर होना, वीकेन, डिक्रीज भी कम होना, मिटिगेट भी कम होना, लेस माने होता है ना कम, मोर माने ज्यादा, लेस माने कम, तो लेस एन कम होना। जहां तक बात सिनोनिम की आती है, ठीक है, तो मैंने सारे सिनोनिम याद करा दिए। ठीक,
आप रटने की कोशिश मत करना, मैं भी नहीं रटता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ जब एग्जाम में कोई वर्ड आएगा तो उसका आंसर भी सामने दिया होगा, हजार में भी छुपा होगा तो टिक मार दूंगा, इतने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि ट्रिक्स है ये तो आप भी कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। चलिए ये सारे हैं इसके सिनोनिम। अब सवाल क्या है वो रुको जरा, सवाल खत्म नहीं हुआ है, लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। सर हो तो गया सॉल्व, सवाल क्या है? तो भाई सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ है, बैंकिंग एसएससी सीजीएल दे रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। सर तो क्या हो गया? अरे सब कुछ हो तो गया उसी में, फिल इन द ब्लैंक्स जब आते हैं। मैं आपको पहले भी एग्जाम फिलर्स का मेरा वीडियो देखिएगा, दो या तीन वीडियो मैंने डाले हैं फिलर्स के, मात्र तीन तीन क्वेश्चन और 40 40 मिनट समझाया है अच्छे से। करियर से प्यार हो तो वो लेक्चर देख लेना भाई, कोई इसमें किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी लापरवाही ना हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है इस समय एग्जाम पैटर्न कैसे आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। एक होता है शब्दों का सही यूज, यूजेस ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशन, शेड ऑफ वर्ड्स, सब भी आया उसमें। आओ बेटा देखो, ये सब वर्ड सिनोनिम में तो ठीक है, लेकिन अगर इनका यूज आया, और चूंकि बैंकिंग एग्जाम में ज्यादातर यूज आते हैं शब्दों के, सर यूज हम समझ नहीं पा रहे, समझाने का मतलब एक सेंटेंस आएगा, खाली स्थान आएगा, पांच ऑप्शन आएंगे और पांचों यही आएंगे, पांचों यही आएंगे, लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको इन्हीं में से एक लगाना होगा, पांच नहीं आएंगे। आओ, जब संख्या गिरती है, कम होती है, तो डिक्रीज आता है, डिक्रीज इन नंबर्स, इससे बच्चों की संख्या गिर रही है, द स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग, दर्शकों की संख्या गिर रही है तो डिक्रीज आता है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है ना, अगर बच्चों की संख्या गिरती है तो क्या आता है, डिक्रीज। तो मैंने यहां लिखा डिक्रीज इन नंबर्स, अब आता तो डिक्लाइन इन नंबर्स भी है, बिल्कुल ठीक बेटा, संख्या घटती है तो डिक्लाइन भी आता है, संख्या घटती है तो रिड्यूस भी आता है। रुक तो जाओ भाई, सर पढ़ा रहे हैं ना, आओ बेटा। हाँ ये ठीक है, डिक्लाइन इन नंबर्स और डिक्रीज भी होता है, संख्या घट रही है, स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग गेटिंग, लेकिन एक फर्क बताता हूं ध्यान से, मैंने बोला स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग, मैं ये नहीं कह सकता स्टूडेंट्स आर डिक्लाइनिंग। एक्चुअल में डिक्लाइन संख्या के लिए तो आता है, लेकिन तभी आता है जब साथ में इन आता है। सुन रहे ध्यान से लेक्चर, संख्या कम होने में डिक्लाइन आ सकता है, लेकिन साथ में इन होना चाहिए, सीखो ठीक है, वो मेरे मास्टरों सीखो, यानी कि जब ब्लैंक आएगा तो मैं बच्चे को जो ट्रिक देता हूँ यही ट्रिक होती है, इसलिए हमारी स्पीड बहुत तेज होती है, हमारे पढ़ाए गए बच्चे सफलता से एग्जाम क्रैक करते हैं बेटा, क्योंकि उनको मैंने ट्रिक दिए, अब इन आ गया तो मेरा बच्चा डिक्लाइन लगाएगा, और डिक्लाइन आया तो इन लगाएगा, ठीक। अब इधर आइए, डिक्रीज सब जगह लग जाता है, बिल्कुल ठीक बेटा। अब एक डिक्लाइन होता है बेटा, किसका गिरना, जो मेन यूज है डिक्लाइन का वो सुन लो, किसी चीज की वैल्यू गिरना, शेयर मार्केट गिरना, और सबसे बड़ी बात आप डिक्लाइन आपकी रेपुटेशन होगा, यहां डिक्रीज नहीं आ सकता, आप समझ रहे हो। अब जब आपकी इमेज गिरती है, छवि गिरती है, आपकी ख्याति गिरती है, आपका नाम गिरता है, शेयर मार्केट गिरती है, फॉल होती है, वैल्यू गिरती है, तो उसके लिए स्पेशली वर्ड डिजाइन किया गया है डिक्लाइन। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, संख्या के साथ साथ रिड्यूस अमाउंट में भी होता है बेटा, और क्वांटिटी में भी होता है, किसी चीज की मात्रा गिरना। मैंने बोला चीनी जो है, शुगर थोड़ा सा रिड्यूस करो, डिक्रीज नहीं करो, डिक्रीज संख्या के लिए लगता है, तो रिड्यूस अमाउंट में भी आता है और क्वांटिटी में भी आता है, मतलब अनकाउंटेबल में भी आता है, ठीक। जब बाढ़ का पानी कम होता है तो अबेट होता है, एग्जैक्टली बनाया गया है, बाढ़ का पानी होता है ना बेटा, बाढ़ का पानी, पानी धीरे धीरे उतर रहा है, दिल्ली में पानी नीचे आ गया, बाढ़ का पानी, बारिश हो गया ना बेटा, तो अबेट बोलते हैं इसको। नेगेटिव से ही एक वर्ड बना है निगेट, निगेट होता है माइनस बेटा नेगेटिव, किसी भी चीज का प्रभाव धीरे धीरे कम होना। अब क्या आपको ये बात पता है कि अबेट और निगेट जो है ये एक पॉजिटिव वे में यूज होते हैं? जी हाँ, एक्चुअल में जब किसी बुरी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे गिरता है तो उसे बोलते हैं निगेट होना या अबेट होना, जैसे मेरे घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक, द पेन इज निगेटिंग, ठीक है, किसी भी बुरी चीज का प्रभाव जो है धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चों पर, बड़ों पर, तो उसे बोलते हैं निगेटिंग। सेंटेंस पढ़कर सॉल्व करना, कहीं पर प्रीपोजिशन लगती है, कहीं पर आपको वर्ड का यूज क्लियर हो, आप तो पूछो ना तरुण सर से कोई वर्ड कमेंट सेक्शन में, आप तो पूछो बस, और हम आपको तुरंत बताएंगे किस वर्ड का यूज कहाँ होता है, शब्दों का सही यूज, इससे एक इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश लैंग्वेज
का पता चलता है आप कितना बेहतर तैयारी कर रहे हैं, कितना बेहतर बच्चों को ले जा सकते हैं। हर वर्ड में फर्क है, आज ही मेरी याद रखना बात। कोई टीचर भले ही बोले दोनों वर्ड एक है, एक तो कोई भी नहीं है, फर्क तो है। बाकी करने को तो आप कुछ शब्द कहीं भी यूज कर दो, कौन रोकने वाला है, अंग्रेजी है भाई, पर एग्जाम में नंबर कटेंगे। चलो गाइस, ठीक सर, मिटिगेट, ये नेगेटिव वर्ड है, मिट्टी का गेट, मिट्टी का गेट लात मारती टूट गया, मिट्टी का गेट यानी कि कमजोर पड़ना, वीकेंड, ये नेगेटिव है ना, क्षमता कमजोर होनी, आपकी टेक्निक्स कमजोर होना, शरीर कमजोर होना, मिटिगेट वीकेंड करना, कर देना। अब इसी से एक वर्ड बना है, डेबिलिटेट, कैसे याद करोगे इसे, कठिन लग रहा है, सबसे पहला लेक्चर देख लेना मेरा पार्ट वन, इसको याद कराया है, ठीक है, और देख के बताना याद हुआ कि नहीं हुआ। ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को लेक्चर में, कैसे पढ़ाया था, BILIT, BILIT, तो BILIT बेटा, इसमें ए बी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एबिलिटी, एक अल्फाबेट जोड़ा, और डी आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डी क्या है बेटा, डेबिलिटेट, ये बना दिया मैंने आपका, इतने प्यार से तोड़ दिया, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, BILIT, इसमें मैंने जोड़ दिया क्या, डी, तो एबिलिटी डी, डी मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव डेबिलिटी, तो एबिलिटी का उल्टा डेबिलिटी, किसी भी शब्द में एटी आ जाए तो क्या बन जाता है, क्रिया, कर देना बेटा, किसी के शरीर को कमजोर कर देना। एड्स, कोविड, एड्स में क्या होता है, पहले शरीर कमजोर होता है, डेबिलिटेट, जब एज बढ़ती है, लोग बूढ़े होते हैं तो स्किन पे झुर्रियां होती है, डेबिलिटेट होना, ये हो गया डेबिलिटेट, यानी कि इसका सिनोनिम होगा वीकेंड, याद हो गया, डी से और डी से डेबिलिटी, हर वर्ड याद कर सकते हैं बच्चों। चलिए आइए, तो यहां पर डिमिनिश से हमने लिया था, सारे वर्ड के यूज कर दिए, मिटिगेट होता है वीकेंड, शरीर कमजोर होना, मिट्टी का गेट, डिक्रीज बता दिया, वीक बता दिया, रिडक्शन होता है नंबर में भी और अमाउंट में भी, लेसन बता दिया, और कुछ नए वर्ड्स दिए आपको आज, कौन कौन से बेटा, इसके अलावा डिक्लाइन दिया, यूज भी बताया मेरे प्यारे बच्चों को, ये हो गया डिक्लाइन, फिर क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों को, डेबिलिटेट, इसको अभी रहने देते हैं, ओके, एक बच्चा और दिया था ना मेरे माइंड से निकल गया, ये पढ़ाया था आपको, निगेट और अबेट, ठीक है, निगेट और अबेट, ये सारे वर्ड याद रखना। देखो यूज से पता रहता है, जैसे बाढ़ का पानी कम होना, कुछ डिफरेंट पढ़ाया बच्चों को याद रहेगा, सर ने एक वर्ड पढ़ाया, अब इसका अपोजिट होगा इंक्रीज करना और मजबूत करना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में ई एन लगाओ तो बन जाता है क्रिया, ये याद रखना एग्जाम में, अगर किसी शब्द का आपको वर्ब दिया है तो टिक वर्ब पे ही जाना चाहिए, नाउन पर नहीं, ना तो स्ट्रांग होगा ना स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि डिमिनिश एक वर्ब है तो मुझे वर्ब ही लगाना है, स्ट्रेंथन। चलो इंटीमिडिएट मेरे बच्चों को याद करा चुका हूं, याद कर लो इसको, इन प्लस टिमिड, टिमिड माने होता है डरपोक, यानी कि कॉवर्ड। अब अगर बच्चों आपको ये भी नहीं मालूम तो अच्छा मौका है, पछताओ नहीं, सर के साथ लग जाओ, छोटे छोटे बेसिक वर्ड भी नहीं मालूम आपको, जैसे कई बच्चे टिमिड भी नहीं जानते हैं, अब सीख जाओगे, तो टिमिड होता है डरपोक, कॉवर्ड को बोलते हैं कायर बेटा, इन माने होता है अंदर, ठीक है सर, अभी तो आपने इनका रूट नॉट बताया था, बिल्कुल सही सुन रहे हो बेटा, एक वर्ड से दो दो रूट निकलते हैं, एक इन होता है अंदर, एंटर, जैसे देखो बेटा, एक एक्स होता है बाहर, जैसे एक्सक्लूड, टीम से बाहर निकाल देना, एक्सपेल, कहीं किसी जगह से दूर भागना, बचकर भागना, है ना, और एक एक्स होता है एक्सेस, सुनाए ना, एक्सेस, जरूरत से बहुत ज्यादा बेटा, एक्सेस सुनाए ना, एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, ये दोनों रूट से वर्ड बनते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले, अब इधर आइए, तो यहां इन माने एंटर, किसी के अंदर डर भरना, टिमिड माने डरपोक, किसी के अंदर डर भरना, एटी आ जाता है तो वर्ब बन जाता है बेटा, वर्ब का मतलब किसी को डराना और धमकाना, वर्ड याद हो गया, इसके सिनोनिम याद कराता हूं, बुल माने सांड होता है बेटा, सांड देखकर वैसे ही लोग डर जाते हैं तो उससे बनता है बुली, तो बुली मतलब डराना, किसी को धमकाना, ये वर्ड बहुत चलता है मूवीज में भी बेटा, किसी को बुली करना, डोंट बुली हिम, डोंट बुली द जीनियर्स,
फ्राइट माने डर होता है, ये वर्ड पहले पढ़ाया था, ईएन लगाओ तो वर्ब बन जाता है, सब सीख जाओगे आप हमारे साथ वर्ब नाउन बनाना, तब इंग्लिश में मजा आएगा, अच्छी लगेगी इंग्लिश जब दिल से समझ में आएगी। तो फ्राइट एक नाउन है जो मेरे मन में था, डर उसमें ईएन लगाया तो डराना फ्राइटेन। बेटा टेरिफाई, टेरर इसी से बनाया ना बेटा, टेररिस्ट आतंकवादी, क्योंकि टेरर माने होता है आतंक, और उससे बन गया टेररिस्ट, और उससे बन गया टेरिफाई, और उसी टेरिफाई से बन गया, ओ मेरे प्यारे मित्रों, टेरिफाई डराना और टेरिफाइड डरा हुआ, जब आप खुद डरे हुए, तो इसी से बना है टेरेबल, भयंकर। ठीक है, तो टेरर आतंक, टेरेबल भयानक, एक टेरिबल इंसिडेंट, कैसा इंसिडेंट, टेरेबल, तो ये हो गया एडजेक्टिव, डरा हुआ टेरिफाइड, ये भी एडजेक्टिव है, और टेरिफाइड डराना, और उससे ही बना है टेररराइज, किसी भी शब्द में आई जेड आ जाए तो क्रिया हो जाती है, तो टेररराइज, और थ्रेट माने धमकी होती है ना, उसने थ्रेट दिया है, थ्रेट, तो थ्रेट में ये लगाओ तो थ्रेटन, धमकी देना, स्केयर, आप जानते हैं, सारे वर्ड याद करा दिए। ठीक है, चलिए गाइस, अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, किसी को डराना, धमकाना, उसका सपोर्ट करना, असिस्ट, कहीं कहीं एंटोनिम बच्चों को मिलते नहीं है, इसलिए एंटोनिम जरूर लिखा करो साथ में। बेटा आपने एक बार सुना है ना असिस्टेंट, जो काम में मदद करता है अपने सीनियर्स की, तो असिस्ट होता है सहायता करना। कूल एंड काम नेचर, जो बिल्कुल शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, इरा रिलैक्स, और कंफर्ट जोन, कंफर्ट मतलब बड़े आराम से रहते हैं बिना डरे हुए, ये सारे आपके हो गए, आपके बेटा इसके अपोजिट, क्या हो गए अपोजिट। अब देखो एग्जाम में गलती क्या हुई बेटा, इंटीमिडेट था, एक बच्चा टिक कराया ब्रेक पर, समझो उसको शब्द तो मालूम था पर ढंग से नहीं मालूम था, मैनर सही नहीं थे पढ़ने के। आप पता क्या होता है बच्चों में, इनको ये लगता है बस हिंदी याद कर लो, हम आज भी इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में याद करते हैं, अच्छा डराया हुआ, अच्छा धमकाया हुआ, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ना हिंदी में आपको, लेकिन मैं इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम दे रहा हूँ ना, वरना मटिया मिट कर दोगे आप तो एग्जाम में। आपने देखा डरा हुआ, ऊपर ऊपर पढ़ा, बन गए पोंगा पंडित, और लगा आए ग्रेट पिटिक। अरे मेरे विद्वानों, देख तो लो बेटा, वो वर्व है इंटीमिडेट, और ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, कहां से टिक मार रहे हो वर्व का एडजेक्टिव में, कहां से टिक मार रहे हो, बनाओ ना ब्रेव से वर्ड, अरे बनाओ वर्व, है ही नहीं, ब्रेव होता है, ब्रेवरी होता है, इसलिए गलत हो गया ना सिनोनिम। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ओके, हमें सही दिशा पकड़नी होगी, एक तो इतना सारा फेक कंटेंट चल रहा है, फालतू का कंटेंट, अपने लाइक्स और वो सब बढ़ाने के लिए यार दिमाग खराब, इससे यूट्यूब पर 2018-20 में भी मुझे यूट्यूब कतई पसंद नहीं आया, इतना अच्छा ये ग्राउंड है बच्चों तक पहुंचने का, उनको सही पढ़ाने का, हम अपना कोई भी कंटेंट ला सकते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो, है ना, ये टेंशन नहीं है कोचिंग सेंटर्स की तरह कि सर 15 दिन में कोर्स खत्म करो, ये पढ़ाओ ये मत पढ़ाओ, इतना बढ़िया कंटेंट है, लेकिन बच्चों को जुड़ना पड़ेगा बेटा। लेक्चर्स फॉलो करो, कमेंट्स करो, क्या क्या बोलते हैं, लाइक करो, शेयर करो, करा करो ना यार, है ना, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, सही बच्चों तक सही चीज पहुंचे। इधर आओ बेटा, ऑप्रेस, इस वर्ड को याद रखना, प्रेस से, प्रेस माने क्या होता है, दबाना, प्रेस से बनता है प्रेशर, प्रेस द बटन लिखा होता है दबाना, लेकिन ऑप्रेस का मतलब किसी को प्रताड़ित करना, उसको दबाना, उस पर अत्याचार करना, उसका दमन करना, हिंदी से बोलता हूं समझो आप, पढ़ा इंग्लिश में ही रहा हूं, ऑप्रेस से बनता है सप्रेस, इन दोनों का मतलब एक ही है, किसी को अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, दबा के रखना। ठीक, अब ये वर्ड तो मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा मेल से, पार्ट वन मेल, पूरा का पूरा मेल का एक अलग से लेक्चर बनाया है, मैं भेजूंगा आपको, बहुत शानदार। मेल जहां आता है याद है बेटा, बुरा होता है, रॉन्ग, ये रूट वर्ड है, ये पढ़ा चुका हूं, इस पर बात नहीं करता, मतलब मेल ट्रीट, किसी के साथ उसको गलत तरह से ट्रीट करना, बदतमीजी से पेश आना, मैलिस हो गया, मैलिग्न हो गया, मैलाजे हो गया, मेल फंक्शन हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सब पढ़ाए हैं आपको, पिछले लेक्चर में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब्यूज तो बताइए, गाली देना बेटा किसी को, एक्सप्लॉइट करना, कहते हैं ना एक्सप्लॉइटेशन, उसका उत्पीड़न करना, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे बहुत सारा काम करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों से, चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन सुना है ना बेटा, हरेस तो सभी जानते हैं, हमारे देश में कोई वर्ड बच्चा ऐसा नहीं जो पैदा हुआ हो हरेस ना जानता हो, इतना अत्याचार होता है, वुमेन हरेसमेंट सुना है ना, हरेसमेंट का केस होता है उत्पीड़न का, याद हो गए, इसको क्यों छोड़ रहे हो, यही तो शानदार वर्ड है। परसेक्यूट प्रोसिक्यूट, परसेक्यूट प्रोसिक्यूट, परसेक्यूशन प्रोसिक्यूशन, याद आया कोर्ट रूम में
प्रोसिक्यूशन, एक वकील जो आपको डिफेंड करता है, डिफेंडर, और एक वकील जो आपको सजा दिलाने के लिए लड़ता है आपके दुश्मन की तरफ से, प्रोसिक्यूट, क्योंकि वो आप पर अभियोग लगाता है, आरोप लगाता है, तो आपको पीड़ा देता है ना। मान लीजिए आरोप झूठा हो आप पर, तो आपने देखा है कई लोग झूठी केस में चार चार पांच पांच साल जेल में बंद हो जाते हैं, चार चार महीने। तो बेटा प्रोसिक्यूट करना, आरोप लगाना, पीड़ा देना, प्रोसिक्यूट परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट परसिक्यूट, याद करा रहा हूँ ना वर्ड, और इंग्लिश में ही करा रहा हूँ ना। तो जब परसिक्यूशन आए तो इसको याद रखना प्रोसिक्यूशन से, ये शब्द लिंक किए जाते हैं। अब जब कभी परसिक्यूशन आएगा तो मेरे बच्चों को याद आएगा, अरे प्रोसिक्यूशन, बस हो गया लिंक, अब समझ में आ गया है ना। परेशान करना, पीड़ा देना, लिंक आना चाहिए, अप्रेस, प्रोसिक्यूशन, परसिक्यूशन, ये सारे वर्ड इंग्लिश में है, ये टिक करना सबसे नए में। ओके गाइस, अब नीचे आइए, इसका अपोजिट, सेम अपोजिट है, किसी को सहयोग करना, उसको रिलैक्स दिलाना, कंफर्ट दिलाना, याद हो गए सारे वर्ड। मेल ट्रीट, मेल से, सप्रेस, ऑप्रेस हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, हरेस हो गया, और परसिक्यूट हो गया। देन गाइस, अब इसमें एक चीज और समझिए आप, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां ऑप्रेस से मैंने बनाया अप्रेजन, क्या बनाया गाइस, अप्रेजन, और सप्रेस से क्या बनाया, सप्रेशन, फिर इसी ऑपरेस से क्या बन गया, ऑपरेसिव, और सप्रेस से क्या बन गया, सप्रेसिव। तो ऑपरेस अत्याचार करना, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, पीड़ा, यातना, और ऐसा व्यक्ति जो देता है, अप्रेसिव, सप्रेसिव। जैसे कि देखो मैं बोल रहा हूं अप्रेसिव रूलर, एक ऐसा राजा जिसने बहुत अत्याचार किए हैं, ठीक है, हिटलर अप्रेसिव रूलर, सद्दाम हुसैन सप्रेसिव रूलर, ठीक है ना। ऐसे वर्ड याद होते हैं, एक ही शब्द के देखो तीन रूप बना दिए हमने, बस यही तो लिंक होता है। अब जब शब्द आएंगे आपका माइंड अपने आप रीड कर लेगा बेफिक्री और टिक कर देगा, यही तो करना है गाइस। चलो नेक्स्ट आ जाएं, ये तो मैंने पढ़ा है आपको, शब्दों में डिफरेंस देखिए, ठीक है। कभी भी किसी भी समय सर को मैसेज कर देना आप, तो जब आपको लगे कि तरुण सर इन शब्दों का यूज समझा दीजिए आप हमें, हर वर्ड में यूज है, फिलर सॉल्व तभी होंगे वरना नहीं होंगे। एवर्जन, इस वर्ड को याद करते हैं बहुत प्यार से बेटा, इसमें देखो बीच में लिखा है वर्सेस, VERS, अब इसमें हमने जोड़ दिया, आ भी लगाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, याद हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाइना वर्सेस अमेरिका के अगेंस्ट, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। वर्सेस का मतलब ही क्या होता है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट होना, यानी कि अगेंस्ट में होना, वही वर्ड याद करा रहा हूं, बेफिक्र रहिए। किसी भी वर्ड में आ जाए, ए बी आ जाए, या ए बी एस आ जाए, तो उस वर्ड का मतलब होता है उस चीज से दूर जाना, से उस पर भरोसा ना करना। थीस्ट होता है भगवान को मानने वाला, एथीस्ट क्या होता है जो भगवान को नहीं मानता। एबडक्ट में ए बी लगाए, किसी बच्चे को किडनैप करके दूर ले जाना, अलग करना, कितने सारे वर्ड्स पढ़ाऊं, और क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि इसका तो मैंने बना रखा है वीडियो, ए और ए बी और ए बी एस, ऐसे नए नए रूट लो, थके फटे रूट मत लो जो एग्जाम में नहीं आते, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं टीचर लोग। ए ए बी ए बी एस कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है नॉट, तो यहाँ तो दो दो नेगेटिव आ रहे हैं। तो एवर्जन का मतलब होता है आप किसी चीज के एवर्स, वर्स, अगेंस्ट में है, यानी कि आप में उस काम के प्रति कोई इच्छा नहीं है, अगर आप एवर्जन है तो, ठीक, आप में उस चीज के प्रति कोई इच्छा नहीं है। एवर्जन का मतलब होता है विलिंग की अनविलिंग, हाँ विलिंग नहीं अनविलिंग, अन मतलब नेगेटिव, बेटा मैं विलिंग हूं इंग्लिश सीखने का, आई एम विलिंग, पर मेरी कोई इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं है, आई एम अनविलिंग। एवर्जन से ही बनाए एवर्स, ये रहा इंडिया वर्सेस, याद रहेगा, विलिंग का अपोजिट अनविलिंग, डिफरेंट होता है, किसी को फर्क पड़ता है, डिफर, और इन मतलब नॉट, जिसको फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। और बेटा अपोज तो बना ही किससे, अपोजिशन, किसी को अपोज करना, ये देखो किसी चीज के अपोजिट में है तो उसके अगेंस्ट में है, अगर आप किसी चीज का अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं ना अपोजिशन पार्टी जो है विरोधी पार्टी। सारे वर्ड याद हो गए, एक तो नहीं छोड़ा, इन मतलब नॉट, डिफर मतलब अंतर, बोलते ना डिफरेंस, फर्क पड़ना, मुझे क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या डिफरेंट पड़ेगा इससे, जिसको फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट टू, ठीक। अब रुक जाओ, यहां पर देखिए मैंने प्रेपोजिशन लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन पूछे जाते हैं, मैंने कहा ना किसी भी वर्ड का जहां बोलोगे उसका नंबर बता दूंगा आपको क्या पूछा जाएगा। आओ अब देखो एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, मेरे डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आएगा
आएगा क्या, आ चुका है जो मैं लिख रहा हूं, शी हैज एवर्जन फॉर वर्क। अब बताओ क्या यहां सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है? अबे जरूरी थोड़ी है सिनोनिम एंटोनिम के लिए हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो चुटको? शी हैज एवर्जन फॉर वर्क। थोड़ा सा दिमागदार बनो, मैच्योर बन जाओ बेटा। यहां पर प्रपोजिशन गलत आ गई है, शी हैज एवर्जन टू वर्क, और आज भी कई पढ़े लिखे लोग फॉर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है फॉर प्लस नाउन, ठीक पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटा ये फिक्स प्रपोजिशन है। फिक्स का मतलब अगर फॉन्ड के साथ ऑफ आता है तो ऑफ ही लगेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, तो बेटा इन सबके साथ क्या आता है, टू आता है। क्यों आता है, प्रपोजिशन भी लाने वाला हूं, सब पढ़ाऊंगा, इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, बस लगे रहिए। तो शी हैज एवर्जन टू वर्क, तो बेटा एक शब्द को हर तरह से पढ़ना पड़ता है, कहीं पर उसका फिल इन द ब्लैंक्स में यूज आ जाता है ना कंटेंट, प्रपोजिशन आएंगी आपको, आते हैं बेटा ग्रामर में, और एंटोनिम सिनोनिम भी आती है। दूसरी बात बच्चों देखो, वोकैब याद रहने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, एक मेंटल गेन होता है, सामने वाले के ऊपर आपको एडवांटेज होता है, फायदा है, क्योंकि जब वोकैब आता है तो इंग्लिश में आप में दम रहता है, बल रहता है, हाँ यार मेरा वोकैब अच्छा है, पेपर में करके आऊंगा, ग्रामर भी करूंगा। लेकिन जब वोकैब कमजोर होता है तो बच्चे डरे हुए रहते हैं, सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए वोकैब जरूर देखिए और पढ़िए, नॉलेज भी होनी चाहिए ना। तो बेटा एवर्जन हो गया, एवर्स अनविलिंग डिफरेंट टू अपोज टू। अब इसमें जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा दो नंबर और शानदार बताऊंगा, जो कोई टीचर तक को नॉलेज नहीं है। आओ बेटा अपोज टू, अब इसका उल्टा क्या होगा, इच्छा होना, जैसे विलिंग किसी काम को करने का उत्सुक होना, एगर आई एम एगर टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का मैं इच्छुक हूं, आई एम विलिंग टू डू दिस वर्क, इच्छुक हूं, एंड आई एम कीन, आगे बोलो 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 इंग्लिश, आई एम कीन टू डू दिस वर्क, गई भैंस पानी में, क्योंकि कीन के साथ ऑन आता है, आज भी कई टीचर टू लगाते हैं, आई एम कीन ऑन डूइंग दिस वर्क, सर के साथ चलोगे बहुत मजा आने वाला है जर्नी में, है ना। अरे एक एग्जाम थोड़ी निकालना है, एग्जाम निकालने के बाद तो और मजा आएगा जब आप इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ोगे हमारे साथ, लैंग्वेज सही करने के लिए पढ़ोगे। आ गया बच्चों ये क्लियर हो गया, प्रपोजिशन बता दिया, सब कुछ जो जो आ रहा है बता रहा हूं आपको, प्रपोजिशन मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम। बेटा अटेंटिव, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, अटेंशन क्यों बोला जाता है, सजग रहना, तो अटेंशन बेटा नाउन है, उसी का एडजेक्टिव है अटेंटिव, एक ही वर्ड है, बेफिक्र रहिए। जैसे अभी मैंने चार पांच वर्ड बनाए थे ना, अप्रेजन, अप्रेसिव, अप्रेस, तो अटेंटिव होता है आपका बेटा क्या, ध्यान देना, अगर आप अटेंटिव हैं तो आप केयरफुल हैं, आप प्रूडेंट है, बेटा प्रूडेंट माने भी होता है समझदार, वॉच माने देखना, वॉचमैन होता है ना, तो आप वॉचफुल हैं, सावधान है, आप माइंडफुल है, दिमाग से काम ले रहे हैं, ये सारे आपके डेली यूज के वर्ड हो गए। अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, आप लापरवाह हैं, केयरलेस, आप इम्प्रूडेंट हैं, बेटा क्या हैं आप, इम्प्रूडेंट, ना समझ, प्रूडेंसी नहीं है ना। और दो शानदार वर्ड बेटा, रेकलेस और नेग्लिजिएंट, सब याद हो जाएगा, दो सेकंड दीजिए बेटा, केयरलेस, रेकलेस, केयरलेस, रेकलेस, रैश, बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हो आप, डोंट ड्राइव रैश, लापरवाही से गाड़ी चलाना, हर शब्द का एक फिक्स यूज है, बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग करते हो आप, केयरलेस वाली, तो अगर आप रैश ड्राइवर हैं या रेकलेस हैं तो देखो इसको मैंने किससे जोड़ दिया आपकी लाइफ में, गाड़ी चलाने से, ठीक है, जहां भी कोई ऐसे गाड़ी चलाए तुरंत बोलना बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग किया आपने, लापरवाही वाली, ठीक, केयरलेस। बेटा नेग्लिजेंट को आप याद कर सकते हो किससे, निग्लेक्ट, है ना, उसने मुझे निग्लेक्ट किया, अवॉइड किया। अब जैसे एक वर्ड देखो बेटा, तुमने मुझे इग्नोर किया, दुनिया जानती है इग्नोर करना, किसी चीज से दूर भागना, निग्लेक्ट करना, अब इसी इग्नोर से बनता है क्या, इग्नोरेंट, और निग्लेक्ट से बनता है, निग्लेक्ट से बनता है नेग्लिजेंट। बेटा ये वर्ब है, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ये एडजेक्टिव है, इग्नोरेंट और नेग्लिजिएंट, किसी भी शब्द में एएनटी आ जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। कहते हैं ना आई एम इग्नोरेंट, सर मुझे पता ही नहीं वहां क्या हुआ कल, अनजान होना इग्नोरेंट है ना, और कुछ लोग अनजान बनते हैं, बोलते हो ना डोंट बी इग्नोरेंट, सब वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको। निग्लेक्ट, अनसुना करना, अनदेखा करना, और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नेग्लिजिएंट, यानी कि लापरवाही, और इसी का नाउन होता है नेग्लिजिएंसी।
क्या होता है? नेग्लिजेंसी, और इसी इग्नोरेंस से बनता है इग्नोरेंस, अज्ञानता। और ये सारे वर्ड याद, फैमिली ट्री मैथड, इसको रखो। चलो तो बढ़िया याद हो गया नेग्लिजेंट। एक सेकेंड, कुछ भूल रहे हैं आप? नंबर सर पढ़ा तो दिया, कहाँ पढ़ाया है? क्या आपको पता है आई एम इग्नोरेंट अबाउट द मैटर? आपने कहा ना, आपने पढ़ लिया। चलो बताओ नंबर इसमें, मैं बताता हूं ना, पढ़ा तो रहा हूं आपको। बेटा गलती मत करना, प्रेपोजिशन का तो हमने मजाक बना रखा है, और इसी तरह से एग्जामिनर ने आपका मजाक बना रखा है। आपको क्या लगता है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? दो चार चेले चपाटे पकड़ रखे हैं, दो चार लोग वहां इंग्लिश बोलते हो, झाड़ पर बोलते, इंग्लिश अच्छी है आपकी? ठीक, अगर आपके टीचर आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। बेटा इग्नोरेंट और नेग्लिजिएंट के साथ ऑफ आता है। सर क्या बड़ी बात है, याद कर लेंगे। वो भाई बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसके साथ के जितने सारे वर्ड है अबाउट लेते हैं। इससे तो आप अबाउट लगाते हो, आई एम केयरलेस अबाउट, कॉशियस अबाउट, प्रिकॉशियस अबाउट, कॉशन अबाउट, वरिड अबाउट, कंसर्न अबाउट, और गाना गाऊं। लेकिन इग्नोरेंट और नेग्लिजेंट ऑफ लेते हैं, इसलिए बड़ी बात है। कई शब्द ऐसे हैं जो अपने परिवार से अलग चलते हैं, इनको मैं बोलता हूं बागी। इन सारे बागियों को मैंने याद कर रखा है, यूज कर रखा है। ध्यान से पढ़ना, ऑफ लेता है बेटा, डे माइनस मार्किंग। ठीक है, आपको क्या लगता है शब्दों को याद करने भर से काम चल जाएगा? बेटा बैंकिंग सीजीएल है, ठीक है, सही गाइडेंस की जरूरत है। बच्चे बुरा मान जाते होंगे ना, सर कैसे बोलते हो आप, सही डांटता हूं आप लोगों को। मान भी जाओ बुरा तो क्या फर्क पड़ रहा है, मान जाओ भाई, मैंने कौन सा जाना है गवर्नमेंट जॉब। चलो चलो, अब रोना धोना मत शुरू करो, यहां ध्यान दो, शानदार वर्ड आ रहा है। मैंने एक वर्ड लिया डेविल, ये लास्ट वर्ड है बेटा आज का। ठीक, देखो पढ़ के, बहुत शानदार। डेविल माने शैतान, एविल माने शैतान, इसी से मैंने इविल से लिया। वाइल, फिर इस वाइल से मैंने बनाया वाइजेस, फिर इससे मैंने बनाया डिवियस। तो डेविल मैंने एविल लिया बेटा, इसी एविल से बनाया वाइल। एक वाइल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि ऑफेंसिव वर्ड बेटा सब लिखे हैं मैंने। फिर वाइजेस होती है हमारे चरित्र की बुराइयां, वाइजेस, और से बनाया मैंने डीवियस, एक डीवियस, और इसी वाई से बनाया VICE से विशियस। तो बना दिया आपके सर ने पांच शानदार वर्ड। इन सब का मतलब होता है दुष्टता से, नीचता से। ये सारे एडजेक्टिव हैं, वाइल, डीवियस, विशियस, OUS आ रहा है ना। सर कैसे पता चलता है एडजेक्टिव है नाउन है? आएगी ये क्लास में, जो नाउन के साथ है। डीवियस माइंड, जिसके दिमाग में हमेशा गंदगी होती है। डीवियस करेक्टर, एक डीवियस प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें आपको फंसाने की साजिश थी, आपके साथ गलत करने की साजिश थी, आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। विशियस इंटेंशन, बुरे इरादे। कोलोकेशन बता रहा हूं, एग्जाम में ध्यान देना। विशियस इंटेंशन यानी कि मेल इंटेंशन, बहुत ही विशियस करेक्टर। एक वाइल लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। सर मेरे अंदर बहुत सारी वाइजेस हैं, खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। सारे याद हो गए? आ जाओ, वाइजेस आपकी डीमेरिट्स, बुराइयां चरित्र में, ड्रॉबैक्स, खामियां, शॉर्टकमिंग्स, जो आपके अंदर शॉर्ट है, कमी है। शॉर्ट मतलब जिसकी कमी खलती है, आपके अंदर शॉर्ट है। ठीक है, ठीक है, मेरिट्स का उल्टा डीमेरिट्स। वाइल, यहां से बना दिया वाइल लैंग्वेज, वाइल पर्सन, गंदा घिनौना आदमी। और डीवियस प्लान, डीवियस इंटेंशन, डीवियस थिंकिंग, डीवियस से विशियस, विशियस थिंकिंग, विशियस माइंड, कैकई। आ बेटा, पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कुछ वैम्प होती थी, वैम्प बेटा लड़कियां जो गुंडी होती है ना, उनको वैम्प बोलते हैं, वैम्प। ओके, और आप देखते होंगे ससुराल में कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हैं। पुरानी 90s की मूवीज में होता था ऐसा, बहू का हाथ गर्म पानी में डाल देना, करंट लगवाना, ऐसा कुछ होता था ना। ये सब होती थी डीवियस, सांस बहु है, वाइल, विशियस। चलो कहाँ जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। सारे वर्ड याद हो गए? तो ये मैंने पढ़ाया विशियस। ये सारे वर्ड मैंने आपको किससे याद करा दिए? आप ही के एक दोस्त से, डेविल से, सलमान खान डेविल है ना। तो विशियस मतलब विकिड,
विच होती है विच चुड़ैल, विकिड, विकिड माइंड, विकिड विच से याद रखना। मैल आ गया फिर से, इसको देख लेना फर्स्ट लेक्चर को, मैलिशियस बुरे इरादे, सैडिस्टिक शानदार वर्ड, से इसमें देखो सेड लगा हुआ है, सेड माने दुख, ये दुखी नहीं होता, इसको दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा आता है, सामने वाले को जितनी परेशानी होगी तड़पेगा इसको इतना मजा आएगा, ऐसे लोगों को बोलते हैं सैडिस्टिक माइंड, सैडिस्ट बोलते हैं, सेड से याद रखना। मर्सी माने होती है दया, लेस लग गया, मर्सी लेस जिसके अंदर दया नहीं है, हार्मलेस जिससे कोई नुकसान नहीं है, लेस मतलब रहित, मर्सी लेस, और कोई युद्धलेस, अब ऐसे मत करना जिसके अंदर युद्ध नहीं है, आप लोग मत जोड़ो ऐसे, युद्धलेस एक रूथलेस क्रिमिनल, दुर्दांत हार्डकोर, जिसके मन में किसी के लिए रहम नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप एंजॉय किया होगा लेक्चर, ज्यादा लेक्चर लॉन्ग नहीं रखते हैं, पार्ट टू में आज मैंने कुछ वर्ड्स पढ़ाए हैं, थोड़े से गैप के बाद आ रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। एक बात और बता दूं, अब आगे जो लेक्चर्स रहेंगे शॉर्ट में रखेंगे, ग्रामर के शॉर्ट लेक्चर दिखा करिए, कैसे सर बेसिक से मेंस तक ले जाते हैं, कुछ देखने का मन नहीं करेगा वीडियो, दिस माय प्रॉमिस, अगर गलत कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ तो मेरे वीडियोस देखना बंद कर दीजिएगा। देखिए जरा ग्रामर की वीडियोस कितनी शिद्दत से बनाए हैं, हर एक चीज के कितने यूज आपको बता रहा हूँ, और कंटेंट वाइज चल रहा हूँ और कंटेंट वाइज चलूंगा। मिलेंगे बच्चों, जय हिंद सभी को, नेक्स्ट पार्ट वोकैब का जो आ रहा है आपका उसमें मिलेंगे। एक बात और, एन आर्टिकल दा के वीडियो आपके बन रहे हैं, पूरा चैप्टर, पूरा एन दा आर्टिकल का झंझट ही खत्म कर दूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स बना रहा हूं, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर ऐसा पढ़ा दो कि हमें कुछ देखना ही ना पड़े, कुछ खरीदना ही ना पड़े, बिल्कुल ठीक, समय लगेगा। के एन दा का यूज अलग अलग पढ़ाया है, कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, उस पूरे लेक्चर को देखने के बाद दुनिया यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक, पेड लेक्चर रहेगा लेकिन मात्र 20 रुपये रखा है, 20 रुपीज, ठीक, यानी कि एक समोसे का जो प्राइस है वो रखा है, और यकीनन समोसे तो खाएंगे बहुत सारे, उससे भी बहुत कुछ इंजॉय करना है लाइफ में, समोसे छोटी चीज है पर पहले सिलेक्शन लेना है। चलो गाइस, मिल रहे हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में, इसका एक थर्ड पास्ट और दूंगा, पार्ट और रह गया इसका, वो मैं आपको बनाकर तैयार करके जल्दी मिलते हैं। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, सी यू।